दादी, मैं तो अनाथ हूं। शिवाय से शादी हुई तो मुझे घर मिला, लेकिन परिवार शिवाय ने नहीं, आपने मुझे दिया। जैसी बहुएं लोगों को चाहिए होती हैं, वैसी कोई बात ही नहीं है मुझे। मुझे खाना नहीं बनाना आता, मुझे घर का काम नहीं करना आता। वो बड़े घर वाले कैसी लैंग्वेज पटर पटर बोल लेते हैं, मुझे वो भी बोलनी नहीं आता। दादी, मेरी जैसी छली बहू को देख के तो किसी को भी मिचमिची मचती। चुप कर, मेरी बहू को छली बोलेगी ना तो एक लगेगा तू। हमारी फैमिली ने अगर वो वीडियो देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ भी करके हमें टिंकी मासी को रोकना होगा। दादी, शिवाय और ओमकारा को जन्म भले पिंकी आंटी और जानवी आंटी ने दिया, लेकिन संस्कार आपने दिए। वो तीनों आपकी वजह से इतने अच्छे। हाँ, एक है थोड़े तड़ीबाज, एक अजीब सी शायरी बोलता है, एक डंबल उठा के घूमता है। दादी, बाहर से कैसे भी हो ये तीनों, यहाँ से ना एकदम खरा सोना। औरतों की इज्जत करना, प्यार दोस्ती जैसे शब्द उनका मतलब समझना, ऐसे हस्बैंड्स ना हमें आपकी वजह से मिले। हम ना आंखें बंद करके अपने पतियों पर विश्वास कर सकते हैं आपकी वजह से। कर सकता है मेरी बैट।
कहा हम दुनिया को तुम लोगों की मिसाल देते नहीं थकते थे, और कहा ये सब, क्या इज्जत रह गई हमारी सबके सामने? बचपन से लेकर आज तक तुम तीनों ने जो मांगा वो दिया है हमने, हर तरह की आजादी दी। कभी सोचा नहीं था कि तुम तीनों उस आजादी का इतना गंदा नाजायज फायदा उठाओगे। मीडिया को तो मसाला चाहिए, मसाला। इस न्यूज का स्कैंडल बना के रख देंगे वो लोग। तुम शिवाई, तुम तो जानते हो कि मीडिया में इमेज कितना मैटर करता है। ये न्यूज लीक होने के बाद हमारे बिजनेस और स्टॉक्स पर क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा है तुमने? ओ मैं माता, मेरे शिवाई के पीछे क्यों पड़े? आपके दोनों बेटों ने भी तो गुल खिलाया, उन्हें भी कुछ बोलिए। क्योंकि शिवाय इन तीनों में से सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। कम से कम मुझे इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे उनका रसे भी नहीं थी। रुद्र तो अभी बच्चा है, ना समझ है। तुम तो कभी ऐसे नहीं थे ओमकारा। ओमकारा को दोष देने से क्या फायदा जिठानी जी? बेटा तो वही करेगा ना जो सारी जिंदगी उसने बाप को करते हुए देखा। Now you mind your language. अच्छा, आपने अपनी करतूतें माइंड नहीं करी, मैं अपनी लैंग्वेजेस माइंड कर लूं क्यों? उसी का नतीजा है ना, उसी का नतीजा है जो इन दोनों ने ये गुल खिलाए। और मुझे तो लगता है ये सारा कारनामा इस रुद्र का होगा। शेमलेस, तू ही लाया होगा। क्यों? मैंने कहा उस पिया, क्या कर रही थी आप? इसकी फ्रेंड्स है ना? प्लीज स्टॉप इट पिंकी, सब जानते हैं कि रुद्र कितना इमैच्योर है। अरे आप तो इमैच्योर्स नहीं थे ना, आपने तो सब कुछ सूझबूझ से किया था, फिर आपके पॉकेट से स्लिप्स हो गए जेठ जी। और आप शायद भूल रहे हैं, रुद्र ओमकारा की रगों में आप ही का खून दौड़ता है। खुद तो जैसे थे वैसे थे, मेरे बेटे को भी बिगाड़ दिया। चुप चुप करो। वाह, देखा तुम तीनों ने, क्या सरप्राइज दी है तुमने माँ को। शर्म आ रही है तुम्हें देखा? अरे कितना भरोसा किया था तीनों पर, और इन लोगों ने, तुम तीनों ओबरॉय खानदान का गुरूर थे, और आज आज वो गुरूर चकनाचूर करके रख दिया। किसी का गुरूर चकनाचूर नहीं किया हमने, नहीं कुछ गलत किया। जो आप लोगों ने देखा वो सच नहीं था, बल्कि सच तो ये था कि नहीं रोड़े, कोई फायदा नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं। हम अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हाँ मानते हैं कि हमने गलती की है। आप सबका भरोसा थोड़ा है। भरोसा नहीं, तुमने सबका दिल तोड़ा है। सॉरी दादी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मर्द जात पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। कितना समझाया था तुम दोनों को, लेकिन तुम्हारी अकल पे तो जैसे पत्थर पड़ गए थे। देख लिया अपने हस्बैंड्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने का नतीजा, देख लिया, हो गई तसल्ली। अब तो मानती हो ना कि मर्दों के बारे में मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस गलत नहीं था? और आप दोनों मेरे बेटे ऐसे नहीं है, और आंटी जी मेरे पोते ऐसे नहीं है, ऐसा कर ही नहीं सकते। आप संस्कारों की बात कर रही थी ना, क्या ये वही संस्कार है? अपनी बीवियों से झूठ बोलकर अय्याशी करना और उन्हें चीट करना। बस टिक्की बस, बहुत बोल लिया आपने। आप हम सबसे बड़े, इसलिए अगर हम छोटों से कोई गलती हो जाए तो हमें डांटना आपका हक बनता है, लेकिन इस तरह हमारे पतियों की बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं है। ओहो, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। एक मिनट, कहीं अपने पतियों का असली रंग देखकर तुम्हें सदमा तो नहीं लग गया? वीडियो ठीक से देखा है ना? वीडियो देखा और बहुत अच्छे से देखा। फिर भी अपने पतियों की तरफदारी कर रही हो? क्योंकि ये 2 रुपये वीडियो ना हमारा भरोसा नहीं तोड़ सकता। हाँ, हमें ओमकारा जी पे पूरा विश्वास है, कभी कुछ गलत कर नहीं सकते। Oh God, मैं तो तुमको भोली समझती थी, तुम दोनों को बेवकूफ निकली। तुम्हें क्या लगता है ये वीडियो झूठ है, मैनिपुलेटेड है? ये झूठा हो सच्चा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पति सच्चे हैं।
ओंकारा जी ने हमसे वादा किया था कि वो हमारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। हम जानते हैं वो ये वादा नहीं तोड़ेंगे। जस्ट स्टॉप दिस ड्रामा। आंखें बंद कर लेने से सच छुपेगा नहीं। अरे तुम दोनों के सामने तुम्हारे पति नशे में टोन होकर एक लड़की के साथ नाच रहे हैं और तुम हो कि अब तक भरोसे की दुहाइयां दे रही हो। इसे ही विश्वास कहते हैं डिंकी मासी। शिवाय को मैं शिवाय से ज्यादा जानती हूँ। मैंने उनका सबसे अच्छा रूप देखा और सबसे बुरा रूप। वो गुस्से वाले हैं, तड़ी पास हैं, लेकिन चीपड़े और छिछोरे किस्म के नहीं है, क्योंकि वो मेरे शिवाय हैं। वीडियो क्या, भगवान भी मेरे पास आके कहेंगे ना कि शिवाय ने मेरा विश्वास तोड़ा है, मैं तब भी नहीं मानूंगी। क्योंकि हमारे रिश्ते की बुनियाद ही विश्वास है, जिसकी वजह से इतनी मुश्किलों के बावजूद आज भी हम दोनों साथ हैं। जो इंसान कुछ गलत होते हुए देख नहीं सकता, वो खुद कुछ गलत कैसे कर सकता है? आज जब हम पार्टी की तैयारियां कर रहे थे, आप यही बात बताने की कोशिश कर रहे थे ना? और जब मैं गाना सुन रही थी, आप भी मुझे ये बताना चाह रहे थे ना? तुम जिस भरोसे की बात कर रही हो वो एक स्टूपिडिटी है। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे हस्बैंड्स कितनी पहुंची हुई चीज है। और ये जो वीडियो में देखा ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है। इसके बाद क्या क्या हुआ वो सिर्फ मैं जानती हूँ। एक मिनट, आपको कैसे पता? क्योंकि ये सब मैंने ही कर। क्या करवाया तूने? What do you mean कि तुमने ये सब कुछ करवाया? साफ साफ बता दो डिंकी कि तुमने क्या किया है? Actually, ये सब मैंने ही करवाया था। मैंने ही पिया को इन तीनों के पास भेजा था, ताकि अनिका और गौरी को शिवाय और ओम के बारे में सच बता सकूं, उनका असली चेहरा उनके सामने ला सकूं, इनकी गलतफहमी दूर कर सकूं, उन्हें समझा सकूं कि मर्दों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना एक औरत की बेवकूफी होती है। लेकिन ये दोनों तो पता नहीं किस मिट्टी से बनी हुई है, इतना सब देखने के बाद भी इनको अकल नहीं आई। आपने अपनी बात को सच साबित करने के लिए ये सब प्लान किया? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुम अपने पतियों पर बहुत भरोसा करके गलती कर रही हो, वही गलती जो मैं आज तक करती आई थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने हस्बैंड्स को इतनी आजादी दो कि वो उस आजादी का गलत फायदा उठाए। मैं ये भी नहीं चाहती थी कि तुम लोग वो सहो जो आज तक मैं सहती आई हूँ, और उस दर्द से तुम्हें गुजरना पड़े जिस दर्द से मैं गुजरती आई हूँ। क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना, तो दिल भी टूटता है और इंसान भी। हम आपका डर, आपका गुस्सा, आपकी नफरत सब समझ सकते हैं। हम मानते हैं कि आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। मासी, सबकी किस्मत भी एक जैसी नहीं होती। ये मेरी बदकिस्मती ही तो है
कि आज तक हर मर्द ने मेरा दिल भी तोड़ा और भरोसा भी, लेकिन आप सबका प्यार और विश्वास देखकर एक बात जरूर समझ में आई है कि दुनिया में हर मर्द एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग इन जैसे भी होते हैं, ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। अगर हो सके तो आप लोग प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिएगा। टिंकी आंटी के कहने पर ही मैंने इन तीनों की ड्रिंक्स में नशे की दवाई मिलाई थी, पर ये लोग तो इतने डीसेंट निकले कि नशे की हालत में भी इन लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। आप दोनों बहुत लकी हैं कि आपको इतने अच्छे और लविंग हस्बैंड्स मिले। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं पुत्र, गलतियां सबसे होती हैं। तू जा आराम कर जाके। टिंकी तू भी जा पुत्र। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे पोतों ने कुछ भी गलत नहीं किया। इसे कहते हैं सच्ची इश्कबाजी, जहां अपने साथी पर खुद से ज्यादा भरोसा हो। आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं, कुछ गलत नहीं किया। थैंक यू तो कह सकता हूं। आप प्लीज, आप मेरे पति शिवाय हैं। आप कोई वॉशिंग पाउडर थोड़ी ना जो बार बार सफाई दे रहे हैं। नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, यू वेलकम। थैंक यू बोलने वाले थे ना आप मुझे। नहीं, तुम अच्छी नहीं बल्कि सबसे अच्छी हो। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग है जब आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी सिचुएशन में भी, हर हाल में आपके लिए एक इंसान ऐसा बना है जो चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ खड़ा रहेगा। शिवाय, शादी की गाड़ी में ट्रस्ट नाम का पेट्रोल होना चाहिए, और जो हमारी शादी की गाड़ी है ना, उसकी टंकी हमेशा फुल रहेगी, समझे आप? Just one correction, it's tank. मैं टंकी बुलाऊंगी। हाँ, टंकी is good, टंकी is good. टंकी। Good, good, I love टंकी. मेरे माल खराब कर रहे हैं। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।